फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी नवरात्रे आप सभी को। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। सो गाइस, बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो डांस प्लस सीजन 6 की जब स्टार्टिंग हुई थी, तो पहले ही एपिसोड में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम था एवन नागपुरे। सो उनसे कैप्टन सलमान ने पूछा कि आप डांस प्लस में क्यों आना चाहते, तो उन्होंने बोला कि मुझे 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंड में मैं एंड स्क्रीन डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, पर पहले वीडियो देख लो। तो उन्होंने बोला कि उन्हें 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो जो हमारे राघव भाई हैं, राघव जुएल, आप सब जानते ही होंगे उन्हें। गाइज, उन्होंने इतना अच्छा स्टेप उठाया, उन्होंने बोला कि तुम मेरे से ले लेना वो पैसे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और वो स्टोरी से इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे राघव भाई और वहाँ पे बैठे सभी। तो राघव भाई ने ये स्टेप उठाया कि राघव भाई ने बोल दिया कि मैं आपको पैसे दूंगा जितनी आपको नीड है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि राघव भाई ने वो चीज़ बोल तो दी ऑन स्टेज कि मैं दे दूंगा, वो चीज़ पूरी करी या नहीं, वो चीज़ पूरी हुई या नहीं। तो गाइज, बहुत ही खुशी के साथ मैं बताऊंगा कि राघव भाई ने जो बोला वो पूरा किया। उन्हें 8 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 8 लाख रुपए का राघव भाई ने चेक दिया। और ये चीज़ ना मैं बोल रहा, ना राघव भाई ने अपने कहीं स्टोरी वगैरह पे डाली, ये चीज़ सामने आई है एवन नागपुरे के इंस्टाग्राम अकाउंट से। सो गाइज, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखना। एवन नागपुरे ने एक चेक पकड़ा हुआ है हाथ में और साइड में एक और शख्स खड़े हैं जो कि राघव की टीम के ही हैं। उन्होंने चेक पकड़ाया एवन नागपुरे को और एवन नागपुरे ने राघव भाई के लिए लिखा भी है कि थैंक यू सो मच। एंड गाइज, एवन नागपुरे ने खाली एक पोस्ट नहीं डाली राघव भाई के लिए, उन्होंने कम से कम भी 5-6 पोस्ट डाली हैं राघव भाई के लिए, क्योंकि राघव भाई ने एक ऐसी चीज़ कर दी उनके लिए जो शायद अपने सगे भी नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी रकम होती है 8 लाख रुपये, वो किसी को ऐसे ही दे देना कोई छोटी बात नहीं है। तो एवन नागपुरे ने कई सारी पोस्ट डाली, मैं आपकी स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा, आप देख लेना। उसमें वो थैंक यू बोलते हुए नहीं था कि राघव भाई को, और उन्हें अपना इंस्पिरेशन भी बताया, ये भी बताया कि मैं उन जैसा ही बनना चाहता हूँ। सो गाइज, राघव भाई बाहर से जितने अच्छे हैं, अंदर से उनका दिल भी उतना ही अच्छा है, उनका मन भी उतना ही अच्छा है। उन्होंने जो चीज़ बोली वो पूरी भी करी। और सबसे मेन बात यार, लोग करके ना जताते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बट राघव भाई की, मैंने उनकी इंस्टाग्राम भी चेक किया, एक भी पोस्ट नहीं थी इससे रिलेटेड। तो ये साफ हमें ये चीज़ बताता है कि राघव भाई कितने डाउन टू अर्थ, कितने सिंपल बंदे हैं, कोई शो ऑफ नहीं, नथिंग, दिल से करते हैं जो करते हैं। सो गाइज, आप लोग अगर थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन या मोटिवेशन लेना चाहो तो राघव भाई से ले लेना। रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को, स्पेशली राघव भाई को भी, क्योंकि यार एक जीता जाता एग्जाम्पल है वो। सो गाइज, यही थी वीडियो आज की। और मैं अभी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, उस पर 3 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। एंड फाइनली लास्ट में जाते हुए भी मैं बोल रहा हूँ, हैप्पी नवरात्रे, नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली।